हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डी कॉमर्स। और दोस्तों यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ बात करूंगा बिजनेस स्टडीज के बारे में, जो कि होगा क्लास 11th, क्लास 12th, और साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, जहाँ पे अकाउंटेंसी क्लास 11th की और क्लास 12th की, ये सभी जो टॉपिक है 11th और 12th के कॉमर्स से रिलेटेड, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप देखना चाहते हैं पूरा कॉन्टेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में कि इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्यों रखा गया है, और इसके अंदर आपको कौन से कॉन्टेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज के बारे में, जो कि क्लास 11th का है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे द वर्ड बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर मैंने गूगल पे सर्च मारूं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आंसर है वो निकल के आएगा बाइंग एंड सेलिंग एज ए वे ऑफ अर्निंग मनी और कॉमर्स। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे दो पार्टीज का होना जरूरी है बाइंग और सेलिंग करने के लिए। एक पार्टी सेल करेगी तभी तो दूसरी पार्टी बाय करेगी, बिना बायर के सेलर नहीं हो सकता और बिना सेलर के बायर नहीं हो सकता। और दूसरी बात यहाँ पे है अर्निंग मनी। अर्निंग मनी से इसका मतलब है प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डोनेशन पे दे दे रहे हो। अगर आप डोनेशन पे दे दे रहे हो तो वो बिजनेस नहीं हुआ, वो डोनेशन हुआ, वो हुआ सोशल वेलफेयर। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उसमें प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड पॉइंट में लिखा है द वर्क डेट यू डू एज योर जॉब, यानी कि आप कोई भी काम करते हो और अपने पैसे पैशन के साथ करते हो उसको, तो वो आपका बिजनेस हो जाता है। आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है तो वो आपके लिए बिजनेस हो गया, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट कमाकर देगा। तो बिजनेस स्टडीज जो इस बुक का नाम है उसमें जो वर्ड बिजनेस है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस में दो पार्टीज होनी चाहिए, एक होना चाहिए बायर, एक होना चाहिए सेलर, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से मतलब है कि प्राइस होना चाहिए उस चीज का, वहां पे प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो तो वो यहाँ बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और वहां पे दोस्तों उसकी अलग से उसका जो है पूरा हिसाब किताब अलग होता है। तो यहाँ पे इस जो सब्जेक्ट है इसमें मैंने सबसे पहले बिजनेस वर्ड डिफाइन किया। अब दोस्तों मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे स्टडीज के बारे में। दोस्तों स्टडी यानी क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं उसको तो स्टडी बोलते ही हैं। तो यहाँ पे नाउन में देखिए आप लिखा है द सब्जेक्ट डेट यू स्टडी, जो हम पढ़ते हैं उसे तो हम स्टडी बोलते ही हैं। लेकिन अगर मैं इसके वर्ब मीनिंग में जाऊँ तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, टू स्पेंड टाइम लर्निंग अबाउट समथिंग, और दूसरा टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। दोस्तों यहाँ पे बिजनेस स्टडी नाम क्यों रखा, स्टडी नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीजें अंदर में लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो भी ऑथर है इस बुक का उसने इस प्रॉब्लम को फेस किया, उसका सॉल्यूशन निकाला और आपको वो सॉल्यूशन दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वो सॉल्यूशन क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहो तो आप वही वही प्रॉब्लम को वापिस रिपीट मोड पे ना दोहराओ, आप जो है एक बार पढ़ के समझ जाओ कि हाँ भाई अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर ये डिसीजन लेना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है तो इसको इस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, कौन से वर्कर रखने चाहिए बिजनेस में, कैसा फाइनेंस मॉडल होना चाहिए, ये सभी चीजें जो स्टडी करके रखी गई है वो आपके लिए सीधे सीधे उठा के बुक में डाल दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी सब्जेक्ट है लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से मैच करूं तो बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज यहाँ पे इस सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टडीज के बारे में बात किया और आपको बताया कि क्यों इसका नाम जो है बिजनेस स्टडी रखा गया है। अब दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे मोटिव क्या है इस सब्जेक्ट को क्लास 11th और 12th में डालने का। सबसे पहले जो टेक्निक्स यहाँ पे अलग अलग इन्वेंट की गई है बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मोटिवेशन स्टाफ को देना, वो सभी चीजें हम बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो ऑलरेडी कमिटेड मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर आप गलती करते रह गए और उस गलती से सीखोगे नहीं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं
जरूर मार खा जाओगे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो है वो ये पॉइंट आता है कि आपका जो बिजनेस है उसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको बिल्ड करने के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है वो आपको इस सिलेबस से देखने को मिल जाएगी। और चौथा ऐसा पॉइंट है दोस्तों, जिसको बिजनेस नहीं करना यानी जिसको खाली सर्विस प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल जिसको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, वॉलीबॉल बनना है, वो सभी के लिए ये सब्जेक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप गुड मार्क्स स्कोर करो। ये फोर्थ पॉइंट मैंने ऐसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए डाल दिया है। ऊपर के तीन पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिव फॉर सब्जेक्ट के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कॉन्टेंट्स, जो इसके कॉन्टेंट्स है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर लिखा है फोर वर्ड जिसकी हमें जरूरत नहीं है, नोट टू टीचर ये मैं पढ़ चुका हूँ, कोई इसमें आपके लिए रिलेवेंस नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये पूरे कंटेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट वन फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, पार्ट टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड। अब फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में क्या है कि बिजनेस का फाउंडेशन है वहां पे कौन सी चीजें रहती है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब होता है बिजनेस का बेस। तो जो यहाँ पे बेस है बिजनेस का वो आपको इन छह चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो पार्ट टू है वहां पे कॉर्पोरेटाइजेशन कैसे होता है, कंपनीज कैसे बनती है, कौन से टाइप की कंपनीज होती है, कैसे इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं, वो सभी चीजें वहां पे दिखाई गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आपको एक कंपनी का नाम जो है उसको बुक करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। अब सबसे पहले मैं चैप्टर वन की तरफ पढ़ता हूँ। तो चैप्टर वन का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे आपको बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड कुछ कुछ चीजें जो है वो बताई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे चैप्टर टू में कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ये बताया जाएगा। चैप्टर थ्री में प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस है ये बताया जाएगा। चैप्टर फोर में बिजनेस से रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विस रहती है जैसे कि बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग और एक्सेट्रा, वो सभी के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर फाइव में एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यानी कि कौन से मोड्स है बिजनेस के वो यहाँ पे बताया जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की ये चैप्टर सिक्स में बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो कॉर्पोरेट वाला पार्ट चालू होगा वहां पे कंपनी से रिलेटेड बहुत कुछ बताया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, कौन से सोर्स से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। हम दोस्तों होता क्या है कि सभी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सभी के पास अपना फंड नहीं होता कुछ ना कुछ करने के लिए, तो सभी को कोई ना कोई हेल्प करता है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, अपना मनी देता है, तो वो होता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सभी डिटेल में दोस्तों कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। एमएसएमई क्या होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये सभी चीजें हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म नंबर INC1 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम रिजर्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कंटेंट्स। अब दोस्तों मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक एक वीडियो खाली एक्सरसाइजेस की डालूंगा। जो भी एक्सरसाइज है यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म के आंसर है या लॉन्ग फॉर्म के आंसर है उनके बारे में मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और साथ साथ उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये कंप्लीट देखना चाहते हो कंटेंट्स तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखते हो अगर वो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस अपॉर्चुनिटी से, इस सीखने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। दोस्तों यहाँ पे मेन मोटिव ये नहीं है कि हम एग्जाम में मार्क्स लाए, मेन मोटिव ये है कि हम इस बुक के कॉन्टेंट को सीखें और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है दीपक दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।